उपमंडल संग्राह के अंतर्गत आने वाले गांव भलाड़ में गोपाल सिंह नामक एक मजदूर का मकान आगजनी की चपेट में आने से सारा सामान जलकर राख हो गया। पंचायत प्रधान किरण देवी ने बताया कि गोपाल शिमला में मजदूरी से अपना परिवार पाल रहा था। उन्होंने कहा कि एसडीएम व खंड विकास अधिकारी संग्राह को प्रभावित परिवार के मकान के लिए आर्थिक मदद के लिए आवेदन सौंपा जा चुका है और बेघर हुआ यह परिवार फिलहाल काफी अरसे से बंद पड़े पुराने पटवार खाने में शरण लिए हुए हैं। आग संभवतः अंगीठी पर कपड़े गिरने से लगी और गनीमत यह रही कि सभी सदस्यों को मकान से सुरक्षित निकाले जाने में ग्रामीण कामयाब हुए। एसडीएम संग्रह सुनील कायत ने कहा कि प्रभावित परिवार को 10,000 की राहत राशि दी जा चुकी है। संग्रह के व्यापारी सचिन गोयल ने पीड़ित परिवार को पंचायत प्रधान की मौजूदगी में करीब 10,000 का राशन व कपड़े आदि जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाई। नाम गोपाल सिंह है जी, मेरे गांव बलाड़ और मेरे मकान में आग लगी हुई जी, जिसमें आसमान चल गया जी और 2 मंजिल मकान था जी। मैं ग्राम पंचायत प्रधान किरण बाला, कल शाम को गोपाल सिंह के घर में आग लग गई थी। इसका बेचारे का बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। जब मैं मौके पे पहुंची, इसका जो रजाई है वो भी जल गई थी। सोने के कपड़े सारे जल गए थे। खाने का था कम से कम 10 कट्टे मक्की के थे, वो भी जल गए। पूरा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। आज हम संग्रह आए थे वीडियो साहब से मिलने, एसडीएम साहब से मिलने। हमने एसडीएम साहब से भी बात की है कि इसे राहत राशि मिलनी चाहिए। और आज हम सचिन लाला जी संग्रह में, जो जिनकी बहुत ही बड़ी दुकान है, हमने उनसे बात की कि भाई इनका ऐसा सा नुकसान हुआ है, तो ऐसे दानी लोग इस दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। इन्होंने कम से कम इनके लिए कम से कम 10,000 का सामान खाने का दिया है और रजाई, तकिए और कंबल, ये सारी चीज़ें सचिन लाला जी द्वारा इसे प्राप्त हुई है। धन्यवाद, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।